इस मोड्यूल uh, में जो टॉपिक है दैट इज स्किन सेंसेस ऑफ डैमेजिंग स्टिमूलाए इससे पहले हमने मुख्तु सेंसेस का जिक्र किया अब ये नेक्स्ट सेंस है विच इज़ द स्किन क्योंकि स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी पर एक्सटेंडेड uh, है और इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच इट इज वेरी सेंसिटिव टू टू केमिकल्स एंड सो ऑन तो ये हम इसी चीज़ का जिक्र करना है और uh, क्योंकि डैमेजिंग स्टिमुलाई यानी ऐसे स्टिमुलाई जो डैमेज करती हैं हमारे स्किन रिसेप्टर्स को स्किन सेंसर्स को स्किन से, के अंदर ज़बरदस्त सेंसर्स हैं जो फीबल प्रेशर को भी फील करते हैं हाई प्रेशर को तो उन्हें तो फील करना ही है तो ये तमाम दीज आर द डिफरेंट सेंसर्स टेम्परेचर को फील करते हैं तो ये इनका हमने डिटेल में जायजा लेना है स्टडी करना है नौ जिसमें सबसे पहले तो बात करते हैं पेन रिसेप्टर्स की पेन रिसेप्टर्स को कलेक्टिवली वी कॉल एट नोसीसेप्ट आर नर्व एंडिंग्स हैं दीज आर नेकेड नर्व एंडिंग्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मैमल्स एक्सेप्ट फॉर द ब्रेन और एन इंटेस्टिन तो ये दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ये नोसीसेप्टस नहीं हैं लेकिन बाकी बाकी हमारी बॉडी के ऊपर अंदर भी और बाहर भी दीज आर देर आर देर आर पेन पेन रिसेप्टर्स नाउ दीज नर्व एंडिंग्स आर कार्ड नोसी सेप्टर्स दे मे बी एक्सटर्नल नोसी सेप्टर्स फाउंड इन टिश्यू सच ए स्किन एंड कॉर्नियाज एंड द म्यूकोजा तो ये वो रिसेप्टर्स है जिसकी वजह से वी फील जब वो प्रिकल होते हैं जब वो स्टिमुलेट होते हैं वी हैव देंस ऑफ पेन जैसे कोई एक्सीडेंट के अंदर ये स्किन पर ब्रूजेज आ जाती हैं जिन्हें हम खराशें कहते हैं तो वो बहुत पेनफुल होती है क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स हैं दे आर एक्सपोज दे आर एक्सपोज और हवा भी अगर लगे तो वो भी महसूस होती है हवा चले या पंखे के नीचे भी वो बहुत ही इरीटेटिंग होती है क्योंकि दोज नर्व एंडिंग्स इनफैक्ट दे आर एक्सपोज तो ये नोसी सेप्टर्स है Now, uh, ye damaging or noxious stimuli, these are actually or potentially tissue damaging events. So, this is a tissue damage, so, these nerve endings will be exposed, and we will be having very, very, uh, that is pain, uh, very stimulating, uh, irritating pain. Noxious stimuli can be either mechanical, uh, pinching, or other tissue deformation, then chemical, that exposure to acids or irritants or thermal high or low temperature. So these are the three noxious stimuli uh, which, we, which we encounter, which we come across. So internal nociceptors found in a variety of organs. This means such as muscles and joints, the bladder, the gut and the digestive tract. These tamam, organs are internally. Or, uh, जैसे जॉइंट्स हैं तो वहाँ पेन क्यों होती है क्योंकि यही नोसिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं किसी ना किसी वजह से मिसाल के तौर पे अगर दो जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज है वो बहुत थिन हो गई है तो जाहिर बोन्स दे विल स्टार्ट टचिंग ईच अदर तो वहाँ पे नोसिसेप्टर्स है जिसकी वजह से वी फील एक्यूट पेन देन दर इज अवियर हीट अब उसके बाद दिस इज अनदर पॉइंट कि स्वीयर हीट कोर्ड इिटेटिंग केमिकल्स एंड स्ट्रॉन्ग मैकेम मे इट स्पॉन्स फ्राम फ्राम मा नोची सेप्टर दर द ब्रेन इंटरप्रेट्स पेन और इचिंग ये तमाम ये वो जाहिर जैसे हमने जिक्र किया केमिकल्स भी हैं सवियर हीट है फिर कोल्ड uh, uh, भी अगर हम बर्फ के ऊपर हाथ रखते हैं तो वह भी एक इरीटेटिंग चीज़ है तो स्टिमुलेटिंग में इलिसिट रिस्पॉन्स और ये रिस्पॉन्स वो फिर उसी तरह मेकेनिकल ये सॉरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर वो इट टुवर्ड्स द ब्रेन एंड वी हैव वी फील द ऑफ इरिटेटिंग पेन्स दैन क्योंकि ब्रेन के अंदर भी पेन सेंटर है जब तक वो स्टिमुलेट नहीं होता स्टिमुलेट नहीं होता डू वी डोंट फील पेन और ये पेन होना एक लिहाज से ये भी ब्लेसिंग है ये भी ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग किस तरह है कि अगर फर्ज करें एक हमें बहुत ब्रूजेज आ गए एक्सीडेंट्स के दौरान या कोई चीज़ एम्प्यूटेट होगी कट गई तो अगर हमें पेन महसूस नहीं होगी तो हम अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे हम उसके इलाज नहीं करेंगे हम कहेंगे चलो कौन सी पेन होती है कल कर लेंगे परसों एंड बाय दैट टाइम दैट ऑर्गन में कम्प्लीटली यू कैन से डिकम्पोज इसके ऊपर बियर पॉइंट वेन देमुलेटेड और ये इम, आ, इम्पल्स चलती है और ये वहाँ से होती हुई दिस इज कट सेक्शन ऑफ दिसग्रामेटिक एंड देन फ्राम दिस पलकॉड टू द ब्रेन और ब्रेन पे में वो पेन सेंटर है तो ये ये वही पाथ है ये जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ भी था आपने देखा था और ये हमने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और इसको समझा था नाउ टाइप्स ऑफ स्किन है और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी है इसके अंदर देर मे बी पेन सेंटर्स फिर ये स्किन जो फील करती है टेम्परेचर को भी टच को भी टेम्परेचर इट मे बी लो इट मे बी हाई टच जो है इट मे प्रेशर या वाइब्रेशंस ये सब ये सब स्किन के अंदर ही रिसेप्टर्स हैं। और इसी तरह पेन रिसेप्टर विच वी कॉल दी नोसीप्टर जिसका हमने जिक्र किया द एक्सपोज्ड नर्व एंडिंग्स देर वेरी क्लोज टू द स्किन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इसके अंदर भी पेन सेंटर विच आर इनसाइड और ये भी प्रोप्रियोसेप्शन और पोजीशन सेंस एंड देन दैनेटो दैट इज कैनेस्थीजिया तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंटरनली इंटरनली वी फील दी फील दैसे भी है इसके अंदर जो स्टमिक के अंदर पेन हो सकती है तो ये तमाम इंटरनल पेन्स जो है ना वो भी वो भी इसलिए महसूस होती है कि वहां में भी नोसीप्टिस है नोसीप्टिस स्किन और ये दिस पार्ट दार्ट पार्टीडोमिस एंड दिस इज द लोअर ये मसल सॉरी नर्व सप्लाई है और ये वो नर्व्स हैं और जिसके ऊपर ये एंड्स हैं जब ऊपर एपिडर्मिस रिमूव हो जाती है फर्ज करें ब्रूजेस की वजह से या किसी वजह से इट इज रिमूव्ड तो obviously these nerve endings, they are exposed. और जब भी जब भी नर्व एंड होंगे तो ये डैमेजिंग इसलिए कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं हाई चर पर चीज जल जाएगी ऑब्वियसली कोई केमिकल्स हैं बॉडी के ऊपर लग गए जैसे एसिड लोग फेंकते हैं या एसिड की वजह से वो एसिड से काम कर रहे होते हैं तो इससे भी नर्व एंडिंग्स जो है या स्किन रिमूव हो जाती है और वो पेन होती है और तो मैकेनिकली भी रिमूव हो सकती है तो ये दिस इज ऑल अबाउट और द स्किन सेंसर्स द स्किन सेंसर्स और अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी बहुत हद तक डैमेज हो सकती है और जिसे हम अवेयर ही नहीं होंगे तो दिस इज इन फैक्ट इट्स ए ब्लेसिंग पेन होना भी ब्लेसिंग तो दिस इज ऑल अबाउट द स्किन सेंसेस